दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों आज की इस वीडियो में सामाजिक अध्ययन का एक और मॉडल पेपर आप सभी के लिए प्रस्तुत है, तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप के ज़रूर देखिएगा। कितने क्वेश्चन आपके 35 में सही हुए हैं आप लोग लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, 126 नंबर। ताप परिवर्तन मंडल कौन सा है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या ब्रह्म मंडल? तो 126 का राइट आंसर क्या है, आप सभी लोग अपना गेसिंग उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखते हुए चलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, इसमें आपका जो है क्षोभ मंडल दिया गया है, ये आपका ताप परिवर्तन मंडल भी कहलाता है। इसके अलावा सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही देखने को मिलती हैं, मध्य मंडल में उल्कापात जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 नंबर दिया गया है कि व्यापारिक पवन, ध्रुवीय पवन किस प्रकार की पवने हैं? स्थाई, अस्थाई, सनातनी या स्थाई नियतवाही पवने, दोनों या डी ऑप्शन है अनियतवाही। तो 127 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सनातनी या स्थाई पवन कहलाती हैं। 128 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग जल है? 70%, 71%, 72% या फिर 73%? तो सही आंसर बच्चों है सेकंड ऑप्शन, अर्थात 71% आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन है, महासागर में औसत खारापन कितना होता है? ऑप्शन आपके पास हैं 30 भाग प्रति हज़ार, 35 भाग प्रति हज़ार, 40 भाग प्रति हज़ार या 50 भाग प्रति हज़ार। तो महासागरों का जो औसत खारापन है वो 35 भाग प्रति हज़ार होता है, बी ऑप्शन आपका सही है। 130 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे अधिक खारी झील है? तुर्की की वान झील, डल झील, वुलर झील या चिल्का झील? तो सबसे ज़्यादा खारे पानी वाली झील ये तुर्की की वान झील है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। 131 नंबर क्वेश्चन है, क्यूरेसियो की गर्म जलधारा क्यूराइल की जलधारा से मिलती है तो क्या बनता है? पहाड़, घना कोहरा, पानी और नमक। तो क्यूरेसियो ये गर्म जलधारा है और क्यूराइल ये ठंडी जलधारा है। जब ठंडी और गर्म जलधारा आपस में मिलती है तो वहाँ पर घना कोहरा छा जाता है, और जब घना कोहरा छा जाता है जिसके कारण एक प्लैंकटन नामक घास वहाँ पर उत्पन्न होती है, और उस घास को खाने के लिए बहुत सारी मछलियाँ जो है उत्पन्न हो जाती हैं। तो उस क्षेत्र में घना कोहरा के साथ में मछुआरे देखा जाए तो बहुत बड़ी मात्रा में अपना लाभ प्राप्त करते हैं मछलियों को पकड़ करके। तो बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखेंगे कि इस स्थान पर प्लैंकटन नामक घास उत्पन्न होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 132 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे अधिक लवणता वाला सागर है? मृतसागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा लवणता वाला सागर मतलब सबसे ज़्यादा खारा सागर कौन सा है? तो ये मृतसागर है, ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 नंबर, थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिएगा। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन, 366 दिन, 386 दिन या फिर 327.3 दिन? तो लीप वर्ष में 366 दिन हो जाते हैं, सेकंड ऑप्शन का सही है। सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और जो लीप वर्ष होता है उसमें 366 दिन हो जाते हैं। 134 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी से प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? ज्वारीय ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, पवन ऊर्जा या बायोगैस? तो ये बच्चों है आपका सेकंड ऑप्शन सही, भूतापी ऊर्जा कहलाती है। 135 नंबर प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेल्ड, सवाना, प्रेयरी या पैम्पास? तो इसको आप ध्यान रखेंगे, जो दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान पाए जाते हैं वो वेल्ड होते हैं, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है, और जो उत्तरी अफ्रीका में पाए जाते हैं वो सवाना घास के मैदान है। ध्यान रखेंगे, सवाना घास के मैदान उत्तरी अफ्रीका में पाए जाते हैं और वेल्ड घास के मैदान दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं। थर्ड ऑप्शन आपका जो दिया गया है प्रेयरी, ये आपके उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले घास के मैदान हैं,
पैम्पास ये अर्जेंटीना में घास के मैदान पाए जाते हैं। अर्जेंटीना कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना है, वहाँ पर पैम्पास नामक घास के मैदान पाए जाते हैं। 136 नंबर क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, तो मुझे लगता है हर जो है सेट में ये क्वेश्चन पे दिया गया है, तो 12 मार्च 1930 आपका सही आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, इसका आंसर मैं नहीं बताऊँगा। 138 नंबर क्वेश्चन है, गलत सुमेरित को चुनिए, पंजाब केसरी, लाला लाजपत राय, ये सही मिलान है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये भी आपका सही है। मदन मोहन मालवीय, ये भी आपका सही है, महामना मदन मोहन मालवीय कहा जाता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण होता है, लोकनायक क्या होता है? जयप्रकाश नारायण, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू दिया गया, तो ये गलत है, अर्थात ये सुमेलित आपका नहीं है, तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, पहली योमा आखिरी महिला जिसने दिल्ली की राजगद्दी पर शासन किया था, राज्य किया था, तो चांद बीबी, जहां आरा, नूर जहां, रजिया सुल्तान, तो सही आंसर बच्चों है आपका फोर्थ ऑप्शन रजिया सुल्तान, ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। 140 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य देवता कौन थे? राम, कृष्ण, पशुपति, शिव, शेषनाग, तो ये बच्चों थे पशुपति शिव, थर्ड ऑप्शन सही है। 141 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद, महाभारत, वाल्मीकि रामायण या सामवेद, तो सही आंसर बच्चों है इसमें फर्स्ट ऑप्शन ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है, सबसे पुराना वेद है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 142 नंबर, बौद्ध मत के प्रचार के लिए अशोक महान ने अपने पुत्र पुत्री को भेजा था, मलेशिया, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, तो हर वीडियो में हमने इसको बताया हुआ है, श्रीलंका इज द राइट आंसर। इसमें आपका पुत्र और पुत्री जिनका नाम था संघमित्रा, पुत्री का नाम था और पुत्र का नाम महेंद्र था, उन दोनों को इन्होंने श्रीलंका भेजा था बौद्ध मत के प्रचार के लिए। 43 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में समाज विभाजित था 8 समूहों में, 4 समूहों में, 7 समूहों में, 6 समूहों में, तो समाज की 4 भाग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र, तो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 144 नंबर, शाहनामा के लेखक कौन थे? उमर खय्याम, फिरदौसी, शेख सादी या कांडिल्य, तो शाहनामा के लेखक बच्चों हैं फिरदौसी, इसमें सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। 45 नंबर, प्रथम मुगल शासक कौन था? हुमायूं, बाबर, अकबर या जहांगीर, तो प्रथम मुगल शासक की बात करेंगे तो ये बाबर थे, ये फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। हुमायूं की बात करें तो ये बाबर का पुत्र था, ठीक, और हुमायूं के पुत्र अकबर थे और अकबर के पुत्र जो थे वो जहांगीर थे, इसके बाद जहांगीर के बाद शाहजहाँ है, शाहजहाँ के बाद औरंगजेब। इसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है, रामचरितमानस किसने लिखी थी? कालिदास, वेदव्यास, तुलसीदास, ऋषि वशिष्ठ, तो रामचरितमानस की रचना की थी बच्चों तुलसीदास ने, और ये रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखा गया है। कालिदास ने जो है अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम जैसे महाकाव्य लिखे हैं, वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी। 147 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती, तो सही आंसर बच्चों है फर्स्ट ऑप्शन राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी और इन्होंने भारत का राष्ट्रगान भी लिखा है। स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी और वेदों की ओर लौटो ऐसा कहा था, सत्यार्थ प्रकाश इनकी प्रमुख ग्रंथ का नाम है। महात्मा गांधी, इनको आप सभी लोग जानते हो, महात्मा कहा जाता है और बापू राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। इसके अलावा इन्होंने माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ नामक पुस्तक लिखी है जो आपके परीक्षा में आ चुका है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। 148 नंबर क्वेश्चन है, किसके काल में दिल्ली सर्वप्रथम किसी साम्राज्य की राजधानी बनी थी? तोमर राजपूत, खिलजी, तुगलक या लोदी, तो सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन तोमर राजपूतों के शासनकाल में दिल्ली पहली बार राजधानी के रूप में बनी थी। 149 नंबर है, नगर निगम का चयनित सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? मेयर, उपमेयर, ग्राम प्रधान, आयुक्त, तो चयनित का मतलब होता है कि जिसकी परीक्षा हुई हो, तो परीक्षा के बाद जो है आयुक्त चुनकर आता है, फोर्थ ऑप्शन आपका सही है।
150 नंबर है, भारतीय संविधान तैयार किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, संविधान द्वारा या उच्चतम न्यायालय द्वारा। तो ये संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान तैयार किया गया था। 151 नंबर का प्रश्न है, भारत का संविधान कब प्रभावी हुआ था? 26 जनवरी 1950, 14 नवंबर 1948, 2 अक्टूबर 1947 या 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त 1947 को तो हमारा देश आज़ाद हुआ था, यानी भारत देश को आज़ादी मिली थी, और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ था और तभी से भारतीय संविधान प्रभावी है। 152 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो कई बार प्रश्न आ चुका है, 6 मौलिक अधिकार हैं। 153 नंबर प्रश्न है, हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है? तो ये उच्चतम न्यायालय होता है, थर्ड ऑप्शन सही है। 154 नंबर प्रश्न है, विधानसभा की सदस्यता के लिए क्या योग्यता है? उसे स्नातक होना चाहिए, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे उसी राज्य का निवासी होना चाहिए या उसे सामाजिक कार्यकर्ता होना चाहिए। तो विधानसभा की सदस्यता के लिए उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, ये आपका फर्स्ट सेकंड ऑप्शन सही है। 55 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो ये कल का वीडियो में भी क्वेश्चन आया था, तो थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, प्रयागराज। 56 नंबर प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या कानून और न्याय मंत्रालय। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। 57 है, कितने वर्ष के लोगों को वोट देने का अधिकार है? 18 वर्ष 21 वर्ष 25 वर्ष या फिर 28 वर्ष। तो 18 वर्ष का प्रत्येक भारत का नागरिक वोट देने का अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 158 नंबर है, भारत के किस दिशा में चीन स्थित है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो भारत के उत्तर दिशा में चीन स्थित है, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 159 नंबर है, PIL का मतलब क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लॉ, पीपल्स इंटरेस्ट लॉ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो सही आंसर है बच्चों थर्ड ऑप्शन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज द राइट आंसर। और लास्ट प्रश्न है, 160 नंबर, भारतीय संविधान के कौन से खंड को संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य या फिर मौलिक अधिकार। तो यहाँ पर बात की जा रही है अंतरात्मा की। तो अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहते हैं, तो ये मौलिक अधिकार होता है, फोर्थ ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा अगर ये पूछे कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना को कहा जाता है। तो 60 नंबर का फोर्थ ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये रहे आपके 35 प्रश्न जो सामाजिक विज्ञान संबंधित थे। 35 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।